तो आज हम तीनों जंग के मैदान में उतर आए हैं और अब शुरू होगी मोहब्बत की जंग। ये जंग है इस हाथी के लिए, ये मैंने उठा लिया है और ये दोनों अब मेरे से झड़पने आएंगे इस हाथी को। पर मैं पहले ही दूर भाग, ओए आ गया साला, आ गया। अरे भाई साहब क्या बात है, अबे मैं नहीं दूंगा। अरे भाई कुछ भी कर ले तू, एक तो गेम से ही बाहर हो गया, रिंग से बाहर चला गया, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और अब मैं तुझे दूंगा नहीं है वाली, ठीक है, समझ गया। तो ज्यादा इतना मत, अब ये मेरे पास आ गई है, अब तू देख क्या करता हूँ मैं, ठीक है। अब तू छीन के बता, तेरी हिम्मत है तो साले। हाथी तो मैं ही रखूंगा भाई, राजा के पास ही रहता है हमेशा हाथी, किसी और के पास जाने से रहा। अबे ये कौन है चंडू, ये कौन है अबे? अच्छा अपना मालिक है, तो कोई बात नहीं, इसको भाव नहीं देना ज्यादा फालतू में, ये ज्यादा इमोशनल हो जाता है फिर, ठीक है। अभी बोलेगा कि मेरी उंगली पे चढ़, मेरे कंधे पे चढ़, मेरे कंधे पे चढ़ के मेरे कान में सुसु कर दे, पर ये सब नहीं करना अपनों को। और ये आ गया तीसरा वाला भी, अब ये भी कोशिश करेगा तो सही मुझसे, पर इसकी औकात नहीं है क्योंकि फट्टू है थोड़ा सा, डरपोक बहुत ज्यादा है यार ये। अबे तू कहाँ जा रहा है, एकदम खुजली चल गई क्या तेरे? अबे यार क्या बात है भाई, बहुत मजा आ रहा है। और ये हाथी को तो आज मैं ही छोड़ूंगा ही नहीं, तुम लोगे कैसे मेरे से, नहीं ले पाओगे भाई लोग। अब ये देखिए कहाँ भाग रहा है साला, इसका कोई अता पता ही नहीं है। ये हम वो दोनों लड़ रहे हैं आराम से मस्त, देख क्या लड़ाई चल रही है, दंगल चल रहा है पूरा खतरनाक, पर भी जीत। और ये देखिए आया डरपोक साला, डरपोक ले आ तू, तुझे मैं बताता हूँ पहले। अरे नहीं भाई मेरे को कोई मतलब नहीं है, देख ले अभी रहेगा तो मेरे पास ही, क्योंकि मैं हूँ विश्व विजेता। अलेक्जेंडर भी मुझसे ट्यूशन लेता था भाई कि विश्व विजेता कैसे बने। उसके बाद फिर मैंने चंद्रगुप्त को जाके बताया ना कि भाई ये है अखंड भारत का सपना कैसे पूरा होगा, तब जाके उसने समझा था कि अच्छा ओ ये सीक्रेट था क्या भाई। तो किट्टू अब से पहले मुझे ये सीक्रेट पता नहीं था, पर अब मुझे पता चल चुका है। और ये डरपोक बिल्ली, ये साला अभी देखना अगर उंगली करेगा इसका मालिक तो उसकी उंगली पे भी चला जाएगा। ये देखो उंगली करते ही आ गया ना, क्योंकि ये फट्टू है, बहुत ज्यादा फटती है इस गधे की, बहुत ज्यादा ही डरपोक है ये, हद से ज्यादा। पर ये बहुत प्यारा है, किट्टू है ना इसका नाम, ये बहुत ही प्यारा और शालीन है। देखो अब नीचे उतरेगा ही नहीं, अब उतर तो गया, चलो ठीक है। अब उनकी लड़ाई पे फोकस करते हैं, हाथी इसके पास है, अब ये आएगा नहीं, ये थोड़ा भाव खाते हैं, ये दोनों ही नहीं आते मेरे पास जल्दी से। देखो कोई नहीं आएगा इनमें से, क्यों मुझे बिल्कुल भाव नहीं देते, इज्जत नहीं देते, अपने मालिक का कोई मतलब ही नहीं है इनको, लॉयल्टी क्या होती है इनका कोई कनेक्शन नहीं उससे, दूर दूर तक वफा के नाम पे वफा नहीं देते बदले में, बहुत ही ज्यादा देखो निराश कर रहे हैं। अब ये जरूर आ गया मेरे हाथ पे, चलो थैंक यू सो मच बेटा, आई लव यू, बहुत ही अच्छा बच्चा है तू, कानू किकी, चलो नीचे उतर जाओ। अब उस दूसरे वाले को भी ट्राई करते हैं, उसके पास चलते किधर गया साला, भाग गया देखो इतनी दूर, चल उठ जा बेटा, आ जा उंगली पे, आ जा, नहीं आएगा साले, लेकर ही रहूंगा कुछ भी कर ले तू, तेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि तू भाग के चला जाएगा, जाएगा कैसे क्योंकि तेरा पिंजरा तो उधर है, नहीं जा पाएगा ना। अरे अरे पॉटी कर दिया यार शायद, शिट यार ये तो आ जाता है, ये तो बहुत अच्छा बाबू है, वो दूसरा वाला है ना ये हरामखोर है। दूसरे आ जा बेटा, आ जा उंगली पे, बेइज्जती मत करवा, चला गया भाई, ये भी आ गया। तो ऐसे पैरट्स को, तोते को अगर आपको उंगली पे लेना सीखना है तो मुझसे बिल्कुल मत सीखना, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। अब ये देखो मेरे कंधे पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, कंधे पे चढ़ के ही मानेगा, ये हराम खोर है ना, बहुत तेज है। अब इसको उड़ने का दिख रहा है कि वहाँ उड़ के पहुंच जाऊं मैं अपनी जगह पर, अभी उड़ भी जाएगा ये। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।